अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10.3 और 10.4 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि टू कॉस 5 थीटा साइन थीटा ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, इन्हीं क्वेश्चन को सम या डिफरेंस की शक्ल में कन्वर्ट करना है। सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के ज़रूरी है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। तो ये बुक जो टेक्स्ट बुक है पंजाब बुक की, उसके पेज नंबर जो है वो तकरीबन 3-3 पे मौजूद हैं फार्मूले। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ करूँगा तो उनके फार्मूले तो लिखूँगा, बाकी फार्मूले विरात वहाँ से देख लीजिएगा। अगर पहले काज है फिर साइन है और साथ में मल्टीप्लाई टू हो रहा है, तो इसका फार्मूला जो होता है पहले वो लिखना है कि टू काज हमारे पास जो अल्फा साइन बीटा अगर हो तो इसको लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर यहाँ कॉस पहले है तो यहाँ माइनस है, अगर साइन पहले है और कॉस बाद में है तो यहाँ प्लस का साइन है। शर्त यह कि यहाँ दो होना चाहिए, दो नहीं होगा तो हम वो मल्टीप्लाई डिवाइड का काम करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अल्फा की जगह हमारे पास 5 थीटा है और बीटा की जगह हमारे पास 3 थीटा है। अल्फा जो होगा वो 5 थीटा से और बीटा जो होगा वो 3 थीटा की जगह आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बनेगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो साइन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन 8 थीटा हो जाएगा माइनस साइन ये 2 थीटा। बस तो यहीं तक करना है। उसने सवाल में हमसे ये पूछा या तो सम में या डिफरेंस में लिखें, तो प्रोडक्ट वाले को हमने सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके साथ का ये क्वेश्चन है, इसमें भी ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, दो साइन की वैल्यू इकट्ठे हैं, दो साइन की वैल्यू इकट्ठे हैं लेकिन साथ में इनके टू मल्टीपल नहीं है, तो वो हम लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले फार्मूला होता है कि अगर दो साइन की वैल्यू इकट्ठे हों तो हम उसको कैसे लिखते हैं। असल फार्मूला ये होता है कि माइनस दो अगर साइन अल्फा साइन बीटा अगर इस तरह दो वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब ये अल्फा समझ लें और ये बीटा समझ लें, अगर दो वैल्यू इकट्ठे हो जाएंगी तो काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। अगर यहाँ पे दो काज इकट्ठे आ जाती हैं तो यहाँ काज का फार्मूला लगता दरमियान में प्लस आ जाता है, सिर्फ इतना फर्क है। अब इस सवाल में क्योंकि माइनस का दो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, माइनस के दो पहले डिवाइड में लिख देंगे और उस पर यह फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अल्फा की जगह समझ लें कि ये एक्स प्लस 45 है, बीटा की जगह समझ लेंगे एक्स माइनस 45 है। तो इस तरह लिखेंगे कॉस अल्फा की जगह लिखेंगे एक्स प्लस 45, बीटा की जगह लिखेंगे एक्स माइनस 45, फिर माइनस कॉस लिखेंगे अल्फा की जगह एक्स प्लस 45 माइनस बीटा की जगह, जब ये दोनों वैल्यू लिखें इनके साइन चेंज हो गए, माइनस का और ये प्लस का 45, माइनस 1/2 कॉस 45 से 45 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x माइनस कॉस x से x खत्म, ये हो जाएगा 90। तो ये भी इसका सलूशन है। बाद को ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, वैसे ओरिजिनल में यही सवाल का आंसर है सम और डिफरेंस में, एक और इसकी फॉर्म लिख लें तो बाद को ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 2x कॉस 90 पे 0 होता है तो माइनस 1/2 कॉस 2x। तो ये भी इसका सलूशन MCQs के ऊपर पूछा था, खासतौर पर जैसे हम एंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस में और सम में दिए गए, हमने इसको प्रोडक्ट में तब्दील करना है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा उल्टा प्रोसीजर है इसका, इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं वो उल्टी दी गई हैं, मतलब इसमें सम में और डिफरेंस में दी गई, हमने इसको प्रोडक्ट में तब्दील करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि साइन की वैल्यू दो आपस में माइनस हो रही हैं, तो पहला काम तो अपने फार्मूला लिखना है कि साइन अगर ऐसे लिखाओ, बुक के अंदर पी लिखते हैं वो जो आप लिखना चाहते हैं लिखते हैं साइन पी साइन क्यू, दो एंगल साइन के आपस में माइनस हो रहे हैं तो हम लिखेंगे टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू, और फिर हम लिखेंगे साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। अगर यहाँ प्लस होता तो ये साइन पहले आ जाता कॉस बाद में, पी प्लस क्यू ओवर टू यहीं रहते, सिर्फ ये चेंज होते हैं माइनस की वजह से। अब ये समझ लें कि पी की जगह आपके पास 8q है
और क्यू की 8 थीटा है और क्यू की जगह आपने 4 थीटा लिख लेना। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 7 2 लिखेंगे, कॉस पी की जगह हम लिखेंगे 8 थीटा, क्यू की जगह लिखेंगे 4 थीटा, डिवाइडिंग बाय 2 फिर लिखेंगे साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडिंग बाय 2। 2 cos ये दोनों आपस में जमा होंगे, 12 12 को 2 पे तकसीम करेंगे 6 थीटा आ जाएगा। साइन 8 में से 4 जाएंगे थीटा है, 8 में से 4 गएंगे, 4 4 को 2 तकसीम करेगा 2 थीटा। तो इस तरह ये हमारे पास रिक्वायर्ड थी कि उसने कहा था कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, तो इसमें प्रोडक्ट आ गया। अब जो सवाल आ गया उसमें 2 cos की वैल्यू आपस में प्लस हो रही है, तो इसको कैसे हल करना है? इसमें हम 2 cos की वैल्यू प्लस है या माइनस के फॉर्म में देखना है, क्योंकि 2 cos की वैल्यू आपस में प्लस हो रही है। तो सबसे पहला काम cos पी प्लस cos क्यू, ये फार्मूला लिखना है, और फार्मूले की वैल्यूज होती है 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2 और cos पी माइनस क्यू ओवर 2। इसका मतलब है पी की जगह 6 है और क्यू की जगह 3 है, बाकी फॉर्मेशन ये सही इस्तेमाल होनी है। 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडिंग बाई 2 और फिर लिखेंगे cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। 2 cos 6 और ये 9 ओवर 2 थीटा और ये cos ये दोनों 3 थीटा ओवर 2। तो ये इसका रिजल्ट आ गया प्रोडक्ट फॉर्म में। तो सवाल की रिक्वायरमेंट यही थी कि आपने इसको हम या प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है cos 20 cos 40 140 प्लस cos 100 इक्वल टू 0। हमने इसको 0 के बराबर करना है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो इसकी अरेंजमेंट फिर दोबारा ठीक करूँगा। ये हो जाएगी cos 20 cos 100 cos 140। इसमें बेटा क्या है कि तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों को हमने क्या करना है, 2 में तब्दील करना है, फिर 2 से फिर हम उसको सिंपल। अब हमारे पास जो फार्मूले होते हैं वो डबल एंगल वाले होते हैं, 2 cos की वैल्यू जमा हो रही हो या 2 sin की वैल्यू जमा हो रही हो। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे cos 20 को अभी हम छोड़ देंगे, उसको अपनी जगह पर रहने देंगे। अगर 2 चीज़ें cos की जमा हो रही हैं, cos p प्लस cos q फार्मूला था ना, अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये लिखा जाता है cos पी प्लस क्यू ओवर 2 और cos पी माइनस क्यू ओवर 2 की फॉर्म। अगर ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो ये बन जाएगा 2 cos 100 प्लस 140 ओवर 2 और cos 100 माइनस 140 ओवर 2, ये 140 है। cos 20 प्लस 2 cos दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 120 और ये दोनों हो जाएंगे cos माइनस का 40 बढ़ेगा माइनस का 20। cos की एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर उसका एंगल नेगेटिव होता है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो cos 20 प्लस 2 cos 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए हैं, और ये cos 20 हो जाएगा। cos 20 प्लस 2 cos 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 और साथ में cos 20। cos 20 प्लस अगर 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर इवन नंबर हो तो cos में आएगा, साथ में लिखा जाएगा cos 60। अब एक और चीज़ जो देखनी है यहाँ पे, जो समझनी है, जो हमें बार बार जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है, वो ये है कि बेटा इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं कि ये एंगल कहाँ लाई करता है, मतलब 180 में से 120 वो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। दूसरा क्वाड्रेंट का मतलब है कि जहाँ साइन के लिए पॉजिटिव है बाकी सबकी नेगेटिव। इस वजह से जैसे ये 90 का मतलब 2 इवन नंबर है तो साइन रहेगा, साथ 60 आ जाएगा और साथ इसका साइन यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा और ये cos 20 इसके साथ मल्टीपल हो। cos 20 प्लस माइनस माइनस 2 cos 60 की कीमत जो होती है 1/2 होती है और cos 20 2 से 2 को कैंसिल कर दो, cos 20 माइनस cos 20 और इस तरह ये दोनों आपस में
कर जाएंगे रिजल्ट क्या जाएगा जीरो, और इस तरह हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है उसका प्रूफ, बड़ा इजी सा मेथड है, इसमें कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 10 है, साइन 30 है, साइन 50 है, और साइन जो है हमारे पास ये टोटल चार वैल्यूज़ हैं, साइन 70, ये चार वैल्यूज़ हैं, हमने इनको सिंपलीफाई करना है। और जैसे कि आपने देखा कि हमें सम और डिफरेंस वाले जो फार्मूला है उसमें दो साइन हो या दो काज हो, ये तो चार चार वैल्यूज़ हैं, इनको हल करना थोड़ा इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले वो साइड लेते हैं जो हमने हल करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे प्रूव करने के लिए, वो है साइन 10, साइन 30, साइन 50, ये डिग्री में है सारी वैल्यूज, और साइन 70। अब इन चार को हम रिड्यूस करते जाएंगे, चार से तीन में, तीन से दो में, दो से फिर एक में, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सबसे पहले चीज़ है कि 10 की कीमत नहीं होती, लेकिन 30 की होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2, बाकी वैल्यू बच जाएगी साइन 10, साइन 50 और साइन 70, चार में से तीन बच गए, 1/2। साइन 10 को छोड़ देंगे दो के ऊपर, क्योंकि दो का फॉर्मूला है ना हमारे पास, दो साइन की वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसके ऊपर किस तरह का फार्मूला लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास दो फार्मूला, मतलब कि माइनस का दो साइन अल्फ़ा साइन बीटा अगर हो तो उस पर फार्मूला लगता है कि हम उसको यूज़ करते हैं काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा। और अगर यहाँ माइनस का दो नहीं है तो हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर माइनस 1/2 लगा कर ये फार्मेशन बना देंगे। क्या थी ये फार्मेशन, काज कि ये अल्फ़ा समझ लें, ये बीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा काज 50 प्लस 70 माइनस काज 50 माइनस 70, ये माइनस का टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/4 साइन 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा काज 120 माइनस काज माइनस का 20, माइनस का 1/4 साइन 10, 120 को अभी लिखा था, हमें दोबारा लिख रहे हैं 180 माइनस का 60, ये काज की प्रॉपर्टी के माइनस के एंगल को पॉजिटिव कर देता है, तो ये 20 माइनस 1/4 साइन 10, और ये हो जाएगा काज 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60, सॉरी ये ब्रैकेट ऐसे कर लेते हैं, माइनस का कास 20 माइनस 1/4 साइन 10, कास का मल्टीपल अगर ये हमारे पास इवन नंबर है तो कास कास रहेगा 60, क्योंकि 120 सेकंड क्वार्टर में, तो ये माइनस का और माइनस कास 20। यहाँ पे हम कास 60 की वैल्यू पुट करेंगे फिर इसको मजीद। अच्छा जी, अब इसमें ये था कि हमारे पास वैल्यू थी माइनस 1/4 साइन 10 और माइनस का 60 का मतलब होता है 1/2 माइनस काज 20, माइनस का 1/4 टेन टेन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी 1/8। ये माइनस का जो 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 10 भी साथ होगा, तो ये हो जाएगा साइन 10, ये इसके साथ हो गया माइनस माइनस प्लस का 1/8 साइन 10 हो जाएगा, और कास जो होगा वो 20 हो जाएगा। अच्छा जी, आपने देखा कि माइनस 4 साइन 10 को मैंने माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 साइन 10 हो गया, इसी तरह माइनस का 1/4 साइन 10 को हमने से किया तो ये माइनस माइनस 4 माइनस 1 ये हमारे पास हो गया 1/4, सॉरी यहाँ 8 लिखा गया था, साइन 10 और कास 20। अभी भी ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है उस तक नहीं पहुँचा, उसके लिए है कि दो साइन की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर दो साइन की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर फार्मूला ये है 2 साइन अल्फा
कॉस बीटा हो तो हम उसे लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की शेप में। तो इसको देखते हुए 1/8 साइन 10 को हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास 2 होना चाहिए था, इसमें 2 नहीं है, तो 1/4 1/2 करके हम इस पे फार्मूला लगा देंगे कि अगर पहले साइन फिर काज वो 2 होता तो ये 2 नहीं था, तो 1/2 लगा कर साइन हम लोग लिखेंगे 10 + 20, फिर लिखेंगे प्लस साइन 10 - 20, 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन माइनस का 10, 1/8 साइन 10 हो जाएगा प्लस 1/8 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन की प्रॉपर्टी अगर उसका नेगेटिव एंगल है तो उसको हम पॉजिटिव करके साइन 10 लिख देंगे, और ये 1/8 साइन 10 हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 को 1/16 प्लस माइनस माइनस 1/8 साइन 10, माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल होके 1/16 और ये हमारे पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पर रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अगर किसी और क्वेश्चन में आपका कोई इशू है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।